मेनली चार बैग, एक छोटा है, एक ये है केबिन लगेज और दो है भाई। पिछले 15 मिनट से हम लोग यही लाइन में लगे। नॉर्मल से तो वैसे भी यहाँ पे थोड़ा महंगा ही मिलता है। दे दे तो अच्छी बात है, नहीं जो उनकी भी आ रहा की डर है ना भाई। मैं अभी अनुरव को यही कह रहा था कि बैक टू टिश्यू पेपर है, क्योंकि यहाँ पे पानी वाला तो सिस्टम होता ही नहीं है। हाँ तो भाई रूम पहुँच गए। अगर क्या भैया 40 रुपये काय के 64। तो भाई हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे। अपना देखो सामान रख दिया, मेरे मेनली चार बैग है, एक छोटा है, एक ये है केबिन लगेज और दो है, और अनुरव के भी हाँ चार है, तो मेरे 5 हो गए उस हिसाब से। बाकी अभी मैं आपको तारीफ करने वाला था कि जो हमारा टैक्सी ड्राइवर वो अच्छा है, बस उसने एंड टाइम पे जो हमसे और 40 रुपये की डिमांड करी उसमें उसने उसकी तारीफ खो दी। तो कोई बात नहीं, ठीक है। पर उसको थोड़ा हमने समझाया कि वो हमको थोड़ा घुमा रहा था, कि बता रहा था कि ये जो आपको लिखा ये तो ओला हमें देगा, आपको कुछ और देना है। फिर उसको थोड़ा अपन ने समझा दिया। बाकी अब अंदर चलते हैं पहले, सबसे पहले, और बैग का थोड़ा वेट कराना वो करा लेते हैं। हाँ तो भाई आ गए अपन फाइनली एयरपोर्ट के अंदर। अभी तो मेरे ख्याल से जो बोर्डिंग पास वगैरह मिलना रहता है वो स्टार्टिंग नहीं हुआ, पहले अपने बैग का वेट करा लेते, एक बार देख लेते श्योरिटी के लिए कि कितना है ना, फिर ही उधर जाएंगे। तेरा तो बहुत ज़्यादा है भाई। देखिए मेरे इसमें मतलब जो मेरा कैबिन है उसमें 200 ग्राम ज़्यादा आ रहा है, और एक बैग में 300 ग्राम कम है, और एक में 600 ग्राम ज़्यादा है। तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, इतना बहुत चल जाता है, बट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 23.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका मेन लगेज है, और केबिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा बहुत पहन रहा हूँ तो उसमें एडजस्ट कर लूँगा। बाकी मेरे ख्याल से अभी समय होगा हमारी बोर्डिंग पास मिलने में, जब तक हम लोग इधर उधर टाइम पास कर लेते हैं। चलो पहले मेरे को लगा मैं गलत लाइन में, पर फिर मेरे को थोड़े रशियन दिख गया, मेरे को कॉन्फिडेंस है भाई। पिछले 15 मिनट से हम लोग यही लाइन में लगे, इतने भीड़ है, काफ़ी लोग यार रशिया जाने वाले, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी भी भीड़ होगी आज। भाई अपन को मिल गया है, बट एक थोड़ी सी सॉफ्ट वार्निंग भी मिली है कि ये 12 किलो से मेरा हैंड बैगेज ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर इतना थोड़ा बहुत चल जाता है, बाकी जो ज़्यादा होगा अरुणव के अंदर डाल देंगे। ये अच्छा है अगर आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें ये बेनिफिट रहता है आपको कि आप थोड़ा सामान इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा मन में। Few moments later. हाँ तो भाई, हाँ अरुणव और मैं कुछ डिस्कस कर रहे थे। हाँ तो भाई अब बात ऐसी है कि क्या कह रहा था मैं खुद भूल गया। हाँ अपना सबसे पहले अगर आपको बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाता है तो उसके बाद आपको फिर क्या करना रहता है, उसके बाद आपका होता है इमिग्रेशन जिसमें आपके पासपोर्ट पर सील लगती है, उसके बाद आपका होता है सिक्योरिटी चेक जिसमें आपके ऊपर देखा जाता है कि आपने कुछ इलीगल चीज़ तो आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि इलीगल हो, समझ रहे हो ना, तो वही चीज़ होती है। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाते, देखो ये देख रहे हो ना, ये सब है ड्यूटी फ्री, तो यहाँ पे आ जाओगे, इसके बाद डायरेक्ट आपको बस आपके फ्लाइट के गेट तक जाना है। अब अपन को भी बस गेट तक जाना है, और बीच में आप ले सकते हो ड्यूटी फ्री से, जैसे कि अगर मेनली जो लोग रशिया से जाते हैं तो वो लोग ड्यूटी फ्री से लेते हैं हल्दीराम के मिक्सचर या फिर मिठाई वगैरह, तो अभी अपन वही शॉप पे जा रहे हैं। भाई ड्यूटी फ्री में तो देखो हल्दीराम में बहुत भीड़ है, और अपन अपना रास्ता बना लेंगे। भाई देखो अपन ने ले लिया हल्दीराम का, तो अभी अंदर है सामान, जब अपन वहाँ पे बैग खोलेंगे तब आपको दिखा दूँगा। ऑलमोस्ट 1500 का हुआ है, और इसने भी लिया। तेरा कितने का हुआ भाई? 1100-1200। नॉर्मल से तो वैसे भी यहाँ पे थोड़ा महंगा ही मिलता है, बट ठीक है, एमरजेंसी में इसका कोई वेट नहीं रखता है तो चल जाता है ना, इतना से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। टेस्ला
ऑटोमेटिक टेस्ला। हम लोग को सीट एक साथ नहीं मिली, पर ट्राई करेंगे किसी से एडजस्ट करने का। डिपेंड ऑन वेरियस सिचुएशन भाई, आराम से बोलने से सारी चीज़ होती है। ट्राई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो उनकी भी बारह की डर है ना। अपनी सीट पे बैठने के बाद मैंने देखा फ्लाइट काफ़ी भरी हुई थी, सारे ही इंडियन स्टूडेंट अपनी क्लासेस के लिए जा रहे थे। फ्लाइट का जो ड्यूरेशन था वो था 6 घंटे का। फ्लाइट काफ़ी अच्छी थी, बोइंग का 777 था। फिर थोड़े टाइम बाद ही फ्लाइट को पुशबैक किया गया। ये सामने जो कैमरा लगा था ये भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमको लाइव अपडेट दिख रहा था कि बाहर क्या क्या हो रहा है। थोड़ी देरी बाद पायलट ने लाइट डिम कर दी, जो कि काफ़ी एकदम रोमांटिक टाइप का वो हो गया था, बट साथ में कोई था नहीं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए रनवे पे। रनवे पायलट ने दिया एक्सेलेटर पे पाव और भगाया प्लेन को फुल स्पीड पे। फिर उसके बाद हो गया उसका टेक ऑफ। मैं जिस फ्लाइट में बैठा था वो लग रहा था एरोफ्लोट का नया प्लेन, क्योंकि वो था बोइंग 777, तो एनिमेशन से लग रहा था काफ़ी अपडेटेड था। उसके बाद आया हमें फूड, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी फूड खाया है एरोफ्लोट का वो काफ़ी अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मैंने ले ली एक अच्छी सी नींद। उसके बाद जब मैं सीधे उठा तो मैं पहुंच चुका था रशियन टेरिटरी में, और हमारी बस 30 मिनट की ही फ्लाइट बची थी जो कि फिर लैंड हो जाती। फ्लाइट लैंड होने के बाद जो आपका पहला चीज़ रहता है वो रहता है इमिग्रेशन क्लियर, जो कि हम लोग करा चुके हैं। उसमें आपका कुछ बैकग्राउंड चेक होता है एंड आपको एक स्लिप मिलती है जो आपको घुमाना नहीं, जब आप बाहर जाओगे रशिया से तो आपको देनी पड़ेगी। अब हमारी जो दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट है वो है टर्मिनल 20 है, ठीक है। तो अब हमको टर्मिनल 20 जाना पड़ेगा कि इंटरकनेक्टेड है, एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा इसलिए रहता है, तो आपकी जहाँ से रहे आपको वहाँ जाना पड़ेगा अगर आपकी मॉस्को से कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो अब अपन चलते हैं टर्मिनल 20। भाई मैं अभी अनुरभ को यही कह रहा था कि बैक टू टिश्यू पेपर है, क्योंकि यहाँ पे पानी वाला तो सिस्टम होता नहीं है। तो मैं ये कह रहा था यहाँ तो भाई पानी वाला तो सिस्टम होता नहीं है। आप चाहो तो अपने हॉस्टल रूम पे रख सकते हो पानी वाला, पर जनरली आपको एयरपोर्ट्स वगैरह पे पानी का सिस्टम नहीं मिलेगा, टिश्यू पेपर ही मिलेगा। तो ये थोड़ा मेंटेलिटी से आना कि हाँ भाई पहली बार टिश्यू पेपर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई अब अपन ने मॉस्को के एयरपोर्ट पे भी देखो अपना सब लगेज वगैरह ले लिया है, बाकी हमारा जो लगेज था वो तो हम लोग को डायरेक्ट जो डेस्टिनी हमारी मिनरल नहीं वो भी वहीं तक मिलेगा, मतलब डायरेक्ट अपना लगेज वहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी सिंगल टिकट थी हमने डायरेक्ट करा रखा था। तो आप भी डायरेक्ट कराओगे तो आपका लगेज भी वहीं मिलेगा। अब हमारी फ़्लाइट है, 1-2 घंटा है फ़्लाइट को, एंड फिर उसके बाद अपन चलेंगे मिनरल नहीं वो दी। तो ये प्रोसेस था जैसे आपने इंडिया में किया वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी आके सेम प्रोसेस करना रहता है अपन को। ये वीडियो मेनली उन्हीं के लिए जो फर्स्ट ईयर में अगर जो देखेंगे ना तो उनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस या फिर थोड़ी सी चीज़ पता चल जाएगी कैसे क्या होता है, तो ये उस पर्पज़ के लिए। बाकी सब लोग तो जानते हैं यार, सब बड़े लोग फ्लाइट में से ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी अब जा रहे हैं, पहले कुछ खाना भी है एंड देन फ्लाइट के लिए वेट ही करना है, कुछ ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, है ना। मस्त एकदम भाई, कैसा लग रहा है वापिस अपना घर बार छोड़ के पराई देश में आना? लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है। अभी बच्चों के लिए कैसा, खेलने के लिए भी बना है? ये तो मैं पहली बार देखा, नया बनाया। हाँ तो कंटिन्यू तो करो, कैसा क्या फीलिंग है? बढ़िया लग रहा है और क्या, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मजा आ रहा है। अब भाई वापिस 10-12 महीने के बाद ही घर जाने को मिलेगा, कोई त्याग। बाकी अपन ने अपने मिक्सर वगैरह तो ले लिया है, घर से भी लाए तो कुछ टाइम तो अपना काम चल जाएगा, पर कितने ही दिन चलेगा ना इस पर। तो अभी हाँ अब जाते हैं, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ ना यार, मैं भी कैसा हो गया हूँ यार, मज़ा नहीं आया। हाँ नींद नहीं हुई है इसीलिए हो सकता बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। तो हाँ फिर से सुन लो कि अभी जा रहे हो अपने गेट के नंबर पर, फिर वहाँ पे कुछ खा लेते हैं सबसे पहले। यार इंडिया जाके है ना रशियन बोलने की आदत ही छूट गई, अभी भी काफ़ी शब्द है जिसमें हिंदी और रशियन को मिक्स कर दे रहा हूँ, जहाँ दा बोलना चाहिए वहाँ हाँ निकल जा रहा है और जहाँ नियत बोलना चाहिए वहाँ नहीं निकल जा रहा है।
तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है जब आप घर से यहाँ आते हो, बट हाँ कुछ ही दिन आएगा, एक दो दिन में आप वापस नॉर्मल हो जाओगे, आपकी वही क्लासेस चालू हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें फिर भूल जाओगे आप। निकल गए नालचिक के लिए, ये टैक्सी है, ये लेंस गंदा है इसी से, देखो देखो अनुरभ भी मिल गया और अपना पीछे मस्त सामान रख दिया, काफ़ी बड़ी टैक्सी है। तो हाँ इनको हमने नालचिक से ही बुला लिया था, अंकल को पिछली बार हमको छोड़ने भी आए थे इसलिए इनका नंबर था, तो इनको नालचिक से ही बुला लिया, क्योंकि एक लगे मतलब छोटी गाड़ी में अगर सेडन भी मंगाते तो इतना लगेज नहीं जाता ना, इसीलिए अब मस्त एक घंटा भी नहीं लगेगा मुश्किल से और हम लोग नालचिक पहुँच जाएंगे। गए भाई अपने हॉस्टल में, सन्नाटा हो गया भाई, सारे सीनियर चले गए, तो नहीं एक में 26 है और एक में उसका 20 है। हेलो रे, हाँ भाई 2 महीने बाद अपने रूम आके पोछा अच्छा लगा। अबे ये क्या है, इतनी पढ़ाई कौन कर रहा है? लो ब्लॉग के लिए तो मिल लो ब्लॉग, अभी ब्लॉग का काम नहीं है। आदर देखो कैसे दुबला हो गया बेचारा, गेट लगाओ भाई समाज ब्लॉग बन रहा है। अबे कुछ रह गया बाहर, एक तेरे बैग कहाँ है? अरे नीचे रख दो। और इसका लाल वाला कहाँ है? तो हाँ मैं वो लाल वाले का कह रही थी, पता है? अबे अभी तो इतना रूम साफ है, कुछ टाइम बाद ये सब गंदा हो जाएगा तो क्या, कितना जब भीड़ आ जाएगी। देखो भाई ये मिरर तो अपना था ही, ये देख क्या बोल रही है वो भी देखेगा अभी। अबे उजाला कम क्यों लग रहा है मेरे तो रूम में? अच्छा डीम हो गई, वही तो मैं बोलूं कि इसकी आरा गिरा, उजाला कम क्यों दिख रहा है? मैं कल तक तो ठीक था। लाओ दरवाजा बंद करने दो। ए, इसको सिस्टम की आदत लग गई। रोम रोम भाइयों बोला कर, रोम रोम भाई, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो भाई पॉज। अबे ये पंखा किसका है? मस्त है ना? ये कोई सीनियर का ही है, मानस भैया का है। हवा उतना नहीं देता पर पता है उनका पंखा एकदम। वो देखो जूते रखने का एक स्टैंड आ गया, कुछ कुछ डेवलपमेंट तो हुआ है हमारे दिना। सब उन लोग तेरा देखेंगे व्लॉग, ये धर्मशाला जैसा हो गया, 3 दिन बेड साथ में लगा। अरे ट्रिपल बेड है, मेरा कहाँ लगाएंगे? ओचिन बोल शो है। तो भाई रूम पहुंच गए, अरे वीडियो तो एंड करने दो। हाँ तो भाई रूम पहुंच गए, अगर मोटा तो हो गया, अब भाई घर जाओगे तो मोटे तो हो ही जाते हैं ना। हाँ तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ज़्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई वीडियो तो टाटा बाय बाय, रब रखा, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।